नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि पारा भस्म बनाने की विधि बताएं। तो दोस्तों, आपके सामने पेश हैं कुछ तरीके पारा भस्म बनाने के। मगर देखो भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे भाई वैद्य नहीं हैं, वो इस चीज़ में हाथ ना डालें, वो बिल्कुल इस चीज़ में हाथ ना डालें जो वैद्य नहीं हैं। जो मेरे भाई वैद्य हैं, कुश्ते भस्में बनाते हैं, वो ही मेरे भाई इस चीज़ में हाथ डालें, क्योंकि पारे को भस्म करना बच्चों का खेल नहीं है। पारा भस्म करना बहुत मुश्किल है और आयुर्वेद की सबसे मुश्किल से बनाई जाने वाली भस्म पारे की भस्म है। दोस्तों, कुछ मेरे वैद्य भाई कहते हैं कि तांबा भस्म बनाना सबसे मुश्किल काम है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे मुश्किल है पारा भस्म बनाना। पारे की भस्म जो वैद्य बना लेता है, वो वैद्य चोटी का वैद्य है, वो नंबर वन का वैद्य है, वो असली वैद्य है जिसे वैद्य कहने का हक होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको पारा भस्म बनाने का तरीका बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको पारा शुद्ध करना है। पारा शुद्ध आपको कैसे करना है? सेंधा नमक, सेंधे नमक के अंदर आपको रगड़ाई करनी है अच्छे से। जब पारा और नमक बिल्कुल काला हो जाएगा, तब उसमें थोड़ा नींबू का रस डाल के और रगड़ाई करनी है। उसके बाद उसे पानी डाल के धो देना है, नमक बाहर निकल जाएगा, पारा उसमें ही रह जाएगा। ये स्टेप दोस्तों आपको 15 से 20 बार करना है। 15 से 20 बार ये स्टेप करने के बाद पारे में से कालिक निकलना बंद हो जाएगी, कालापन निकलना बंद हो जाएगा, नमक बिल्कुल सफ़ेद रहेगा। तो दोस्तों, वो आपका पारा शुद्ध हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ईंट के बुरादे में आपको 4-5 स्टेप करने हैं। नींबू का रस डालते जाना है और रगड़ते जाना है। 5-7 स्टेप दोस्तों आप ये कर लो, आपका पारा शुद्ध है, नंबर वन, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, पारे के बराबर आपको लेनी है गंधक। गंधक शुद्ध की हुई, शुद्ध की हुई गंधक और पारा, पारे से 2 गुनी लेनी है गंधक, 2 गुनी गंधक लेनी है। उसे खरल करते जाना है, अच्छी तरह उसकी कजली बना लेनी है। बीच में आप नींबू का रस डालते जाएं या एलोवेरा का रस डालते जाएं। एलोवेरा का रस ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों, नींबू का रस ना डालें, एलोवेरा का रस डालें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे आपकी भस्म ज़्यादा बेहतर बनेगी, सफ़ेद कलर की बनेगी, ज़्यादा सफ़ेद बनेगी। तो वो कजली बनाने के बाद आप उसकी टिक्की बना लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है 1 किलो हरमल। हरमल का बारीक पाउडर बना के आधी हरमल नीचे रखनी है, उसके ऊपर टिक्की, उसके ऊपर आपको बची हुई हरमल रख देनी है। तो उस कुज्जे को आपको गिलिक मत कर हिकमत कर देना है। जिस मिट्टी से दोस्तों आप गिलिक मत करोगे, उस मिट्टी में अरंडी का तेल डला होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। बिना अरंडी के तेल के आप अगर गिलिक मत करते हो, तो आपकी पारा भस्म जो बनेगी, वो उसमें से दोस्तों आधे से ज़्यादा उड़ जाएगी। तो आपको अरंडी के तेल से ही गिलिक मत करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 8 से 10 किलो उपलों की आग देनी है। अरने उपले जो होते हैं, जो जंगली उपले होते हैं, जंगली गोहे होते हैं, उनकी आपको आग देनी है। और ये ध्यान रखें कि आग भड़के ना, बहुत धीरे धीरे आग जलनी चाहिए। दोस्तों, आपकी पारा भस्म तैयार हो जाएगी। एक और तरीका दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पारा भस्म बनाने का। शुद्ध पारा लेके उसे गुल्लर के रस में खरल करना है। गुल्लर के रस में, पहले मैं ये बता भी चुका हूँ,
मगर एक बार और बता देता हूँ, गुल्लर के रस में आप खरल करो, उसके बाद आपको गोली बना लेनी है, उसके बाद आपको हींग लेनी है, हींग पारे से दुगनी हींग लेनी है, और उसमें भी गुल्लर का दूध डालना है, उसे खरल करना, उसकी कटोरी सी बना लेनी है, 2 कटोरियाँ, उन कटोरियों में आप गोली रख दो, ऊपर से आप उसे बंद कर दो, ऊपर से आप उसे एक कप्पड़ मिट्टी हल्की बहुत पतली सी कप्पड़ मिट्टी कर देनी है, अरंडी के तेल वाली। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, 4-5 किलो उपलों को आप जला के, जो उसकी कोयले से बनेगी भुगल बनेगी, उसके अंदर उसे रख देना है, उसे बंद कर देना है, वो पड़ा रहेगा, वो भी दोस्तों आपका कुश्ता पारा तैयार है। तो दोस्तों ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, पारा भस्म बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, 3-4 तरीके मेरे पास और हैं, वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल वीडियो अच्छी क्वालिटी में मैं बना रहा हूँ, वीडियो बड़ी ज़्यादा MB की बनेगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।